हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों सॉरी, मैं इस बार थोड़ा लेट हो गया और ये IUPSC का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, तो आज बता ही दिया आपको कि IUPSC स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक के बारे में हमने प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में, बोला था कि भाई ऑर्गेनिक जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज बिना देरी किए हुए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी IUPSC को कम टाइम में ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं IUPSC नॉर्मल क्लेचर। ओके, तो बच्चों ये हो गया IUPSC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमें यही मालूम होना चाहिए कि भाई IUPSC का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए भाई, IUPSC सबसे पहले क्या होता था, सबके अलग अलग नाम हुआ करते थे। सपोज दैट भाई अमेरिका में किसी चीज़ का कुछ और नाम था, इंडिया में कुछ और नाम था, कहीं कुछ और नाम था। तो अब भाई एक प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन, भाई वहाँ से तो हमने कुछ और मंगाया, यहाँ कुछ और ला के दे दिया, सही है। तो भाई प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोले क्या किया जाए। बोले जैसे जूलॉजी का नाम नेम होते हैं, बॉटनिकल नेम होते हैं, भाई वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं, वैसे ही क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री के भी नेम वर्ल्ड वाइड सेम होने चाहिए। तो फिर एक IUPSC, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये पूरी की पूरी एक यूनियन थी जिसके थ्रू क्या है, हमारे जो केमिकल्स हैं उनके रूल्स बनाए गए किस तरीके से नोमेनक्लेचर होगा, किस तरीके से कंपाउंड के नाम रखे जाएंगे और वर्ल्ड वाइड यही रहेगा। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं भाई, किसी भी कंपाउंड का नेम किस तरीके से लिखा जाएगा, तो क्या मेन चीजें होती है। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर सबसे पहले किसी का जब नाम लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से वर्ड रूट। बात नाम से ही समझ में आ रही होगी, वर्ड रूट, ये बिल्कुल रूट वाली बात हो रही है। इसके बाद एक चीज है, यहां पर आता है बच्चों सफिक्स। इसके बाद क्या आता है, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स के बाद बात करेंगे हम किसकी बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जिस तरीके से क्या है, वर्ड रूट के बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स और आगे सेकेंडरी सफिक्स, उसी तरीके से इधर भी क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या बच्चों, प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा यहां पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये देखिए बच्चों, ये 1, 2, 3, 4, 5 पांच चीजें होंगी किसी के नाम लिखने के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहां पर भी एक बात समझ लीजिए कि यहां पर हर नेम में पांचों चीजें नहीं होंगी और पांचों चीजों के नाम नहीं लिखने पर, हां वर्ड रूट तो जरूर होगा और साथ में प्राइमरी सफिक्स भी होगा। तो ये बन गया एक तरीके से फॉर्मूला और इसके थ्रू ही हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है बच्चों। तो समझिए 1 by 1 कि ये क्या है। तो ये वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगी कि भाई किसी भी चेन में यानी किसी भी कंपाउंड में जो भी हम मेन चेन बनाएंगे उसमें कितने भी कितनी कार्बन है, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स बताएगा टाइप ऑफ लिंकेज, क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो ये लिंकेज कौन सी है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है क्या उसमें, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं। ये अलग अलग क्या है बच्चों, सफिक्स है। कौन से सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, समझ रहे हैं। उसके बाद आती है सेकेंडरी सफिक्स की, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि यहां पर OH हो गया, CHO हो गया, ठीक है, और COOH हो गया, इस तरीके से यहां पर क्या होंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स लिखे जाएंगे। उससे पहले अब क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताएगा कि वो कंपाउंड कैसा है, कहीं साइक्लो तो नहीं है,
साइक्लो है या फिर बाईसाइक्लो है, ठीक है, या फिर स्पायरो है। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि साइक्लो क्या होता है, इसमें एक साइकिल होगी और बाईसाइक्लो जिसमें दो साइकिल होंगी और स्पायरो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये बताएंगे कि कंपाउंड कैसा है, साइक्लो है, बाईसाइक्लो है या स्पायरो है, ठीक है। अगर है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे। अब उससे पहले क्या आता है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स, अब भाई सब्स्टिट्यूएंट्स में इसमें क्या आ गई, साइड चेंज हो गई, ठीक है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो केवल सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, वो मैन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में यूज नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए, R हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्कॉक्सी हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि पांच चीजें मूल मंत्र हैं, ये तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्या किसी भी नॉमन क्लेचर में इनकी तो रिक्वायरमेंट होनी होनी है, सही है बेटा। तो क्या है, वर्ड रूट से मैंने स्टार्ट किया, वर्ड रूट के बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, उससे पहले क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, समझ। वर्ड रूट से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इधर भी प्राइमरी है, उधर भी प्राइमरी है, ठीक है, फिर इधर लास्ट में सेकेंडरी है, इधर लास्ट में सेकेंडरी, इस तरीके से नॉमनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब भाई यहां पर ये सारी चीजें मैंने बता दी, भाई कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है कि भाई सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है और या साइड चेन कौन सी है, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताता है कि कंपाउंड कैसा है, साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पायरो है। वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट ये बताया कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। और आई बात प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा लिंकेज कौन सी है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अब बात आई किसकी, लास्ट बात आई सेकेंडरी सफिक्स, ये मान ये तो बताएगा भाई, यही बताएगा कि भाई उसकी क्या है, वो कौन सी स्पीसीज का है, भाई क्या है उसमें ग्रुप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा कंपाउंड है, तो मैन क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही। तो चलो बच्चों वन बाई वन बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले रूट से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या बच्चों, वर्ड रूट। हाँ एक बात और बता दूं, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो आपके नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस बार से क्या है कि नोट्स लिख के हाथ से और उसमें नीचे डाल दिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप एक आध दो चीज़ रह भी जाती है तो टेंशन नहीं, मैं बहुत लंबा नहीं लिखूंगा, वहां नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, ओके। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट ये बताता है कि भाई नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सबसे पहले एक कार्बन है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, या फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, तो ये हो गया बच्चों टेन, और इलेवन, ट्वेल्व, बहुत आगे तक भी हो सकते हैं, बट हम नहीं, ज्यादा ट्वेल्व ही पूछेगा वो। तो अगर वन कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मैथ, टू को एथ, और तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, और फाइव को पेंट, बच्चे कह रहे हैं कभी इंग्लिश में बोल देते हैं कभी हिंदी में, ठीक है, और सिक्स को हैक्स, सेवन हैप्ट, और ऑक्ट, ये आपने टेंथ क्लास में ही पढ़ा होगा, नॉन, और ये क्या होगा बच्चों, टेन को डैक, और ये क्या होगा अनडैक, अनडैक और डोडैक, सही बच्चों। तो ये हो गए इनके नेम्स, किसके बच्चों, वर्ड रूट के। तो वर्ड रूट समझ में आ रही होगी बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया, वन कार्बन है तो मैथ, टू को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूज, पांच को पैंट, सिक्स को हैग्स, सेवन को हैप्ट, एट ऑक्ट, नाइन नॉन, टेन डैक, इलेवन अनडैक, और ट्वेल्व डूडैक। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्या, ये सारे के सारे हो गए वर्ड रूट, तो इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं एक एक करके सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम क्या है नॉमन क्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो पहले से नोट कर लीजिए, ओके। तो ये इरेज कर दिया मैंने, तो अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पर बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स की, क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स पे बहुत सारे होंगे,
सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं आर, ठीक है। आर क्या होता है बच्चों? एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों? एल्काइल। एल्काइल में बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। एल्काइल में हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहां आगे लिख देता हूं, आर में इसमें हो सकते हैं बच्चों, एल्काइल में CH3 हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, C2H5 इथाइल हो सकता है, ठीक है, और C3 और S7 प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसे जनरली क्या बोलते हैं? एल्काइल। एल्काइल मिथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ठीक है, इस तरीके से, और इथाइल होगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देंगे। उसके बाद क्या आगे देखते हैं? एक्स। एक्स हैलोजन को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, और आयोडीन हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इसे क्या बोलते हैं? हैलो बोलते हैं। क्या? हैलो। हैलो मतलब क्लोरो ब्रोमो सॉरी क्लो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरीके से इनके क्या होंगे बच्चों? नेम्स होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ओ आर होता है एक, ठीक है। ओ आर में क्या हो सकता है? आप बहुत सारे हो सकते हैं, ओ सी एच थ्री हो सकता है, ठीक है, ओ सी टू एच फाइव हो सकता है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं बच्चों एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां पर मान के चलिए पीएच फिनाइल, ठीक है, यहां पर अगर बेंजीन रिंग है यहां एल्काइल ग्रुप की जगह, तो क्या होगा बच्चों? तो यहां पर बोल देंगे इसके लिए फिनॉक्सी, ठीक है। उसके बाद यहां पर होता है NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रो, और यहां पर N डबल बॉन्ड O, इसे नाइट्रोसो। क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर क्या होगा? ये सारे के सारे हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं, इन्हें सफिक्स में कभी लिया नहीं जाता। इसमें कौन कौन सा हो गया? एल्काइल ग्रुप हो गया, हैलोजन हो गया, और ये एल्कॉक्सी हो गया, फिनॉक्सी हो गया, बेंजीन रिंग है यहां पर, और ये हो गया NO2, और ये हो गया NO, ठीक है। एल्काइल हो गया, हैलो हो गया, एल्कॉक्सी हो गया, फिनॉक्सी हो गया, नाइट्रो हो गया, और नाइट्रोसो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एल्काइल सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है बच्चों। इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद में फिर मैं आपको ले चलूंगा कहां पर? फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझाएंगे तो बाद में सॉरी उसके क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, या उसके जो IUPAC नेम बाद में लिखेंगे, बट अभी समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, नोट करिए। ओके बच्चों, तो अब बात कर रहे थे किसकी? फंक्शनल ग्रुप्स की। तो मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पहले ही लिख लिए ताकि बहुत देर लगेगी लिखने में। तो बच्चों ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, और हाँ एक बात और ध्यान रखना, सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर से नीचे तक लिखे गए हैं वो क्या है? इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन IUPAC। पर एक बात आ गई, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फिर क्या होगा? किसे प्रायोरिटी दोगे? किधर से नंबरिंग पहले स्टार्ट करोगे? तो भाई उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सफिक्स। भाई होता क्या है, हर एक यहां पर सफिक्स भी होगा, प्रीफिक्स भी होगा, ठीक है। अगर बड़ा ग्रुप आ गया तो बड़े ग्रुप का तो ऑब्वियसली सफिक्स लगना है, तो जो उससे छोटा हो गया उसका प्रीफिक्स भी लगेगा, तो प्रीफिक्स भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इसे बोलते हैं, अगर प्रीफिक्स में लगा तो कार्बोक्सी। और वैसे सफिक्स इसका क्या होता है बच्चों? ओएक एसिड। क्या बच्चों? ओएक एसिड। ओके, अगर उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H, सल्फो लगेगा प्रीफिक्स और इसका सफिक्स लगेगा सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली एस्टर आ गया तो एस्टर में क्या लगेगा? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एल्कॉक्सी का मतलब यहां पर हो गया, यहां पर हो गया मिथाइल, ठीक है, तो मिथाइल कार्बोनिल, ठीक है, वो एल्कॉक्सी कार्बोनिल, उसे बोलते हैं एल्काइल ओएट, यानी मिथाइल होता CH3 तो मिथाइल ओएट, ठीक है। उसके बाद हो गया एसिड हैलाइड, आज ये हो गया COX,
एक्स में हो गया, चाहे फ्लोरीन लगा लो यहाँ पर, क्लोरीन लगा लो तो इसे हेलो फॉर्माइल, या क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्माइल, और उसे ओइल हैलाइड, ओइल क्लोराइड, ओइल ब्रोमाइड, ओइल फ्लोराइड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, अलग अलग के अकॉर्डिंग। उसके बाद एसिड अमाइड CONH2, इसे कार्बेमोइल या फिर अमाइडो बोलते हैं, ठीक है, और वैसे अमाइड बोलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों क्या, नाइट्राइल साइनाइड जिसे बोलते हैं, तो साइनो या फिर प्रीफिक्स में बोलेंगे नाइट्राइल। उसके बाद है बच्चों एल्डिहाइड COH, फॉर्माइल या ऑक्सो, और उसमें सफिक्स में बोलते हैं अल, खूब सुना होगा, ठीक है। उसके बाद कीटो, और कीटो को कीटो बोल सकते हैं या फिर ऑक्सो बोल सकते हैं, और सफिक्स में ओन बोलते हैं, ओ यानी बन नहीं, ओन, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल को OH, तो इसे हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में लेंगे, और वैसे लेते हैं बच्चों क्या ऑल। सिमिलरली वहां थायो एल्कोहल भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो थायो एल्कोहल में हम क्या करेंगे, SH, मरकैप्टो या थायोल। उसके नीचे जो दिए गए हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स, इनमें केवल केवल सफिक्स किसी में नहीं लगता, सारे के सारे प्रीफिक्स लगते हैं, एस्टर, एल्कोक्सी, ऑक्सीरेन, ठीक है, इपॉक्सी, यहां पर नाइट्रो डेरिवेटिव होगा तो नाइट्रोसो, और यहां नाइट्रोसो डेरिवेटिव होगा तो नाइट्रोसो, ठीक है, ऊपर नाइट्रो ही नाइट्रोसो, और ये हैलोजन होगा तो हैलो, ठीक है बच्चों। बट यहां पर एक बात बता दूं मैं, इसके भी नीचे वो आ जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो एन ईन पहले ही बता चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये टेबल आपको याद रखनी है, मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पढ़ लेना डाउनलोड करके। ये टेबल पूरी की पूरी ऐसे ही याद रखनी है, इसी ऑर्डर में याद रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ पाएगा कि वहां पर कि ये सॉरी तभी आपको मालूम पड़ पाएगा कि कौन से को प्रायोरिटी देनी है, कौन से को प्रायोरिटी नहीं देनी है, समझ रहे बच्चों। तो ये पूरी की पूरी टेबल को अच्छी तरीके से आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है, और इरेज करने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे, ओके। अब सबसे पहले हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, एल्केन से स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, सिंपल एल्केन, सिंपल एल्केन जिसमें कोई चेन वगैरह नहीं है, ठीक है बच्चों। नंबर वन सिंपल एल्केन्स, सिंपल एल्केन्स, जैसे मैं सबसे पहले यहां पर आपके सामने ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक बच्चों। तो फिर सबसे पहले बताया मैंने क्या लेना है, बर्ड रूट, बर्ड रूट में देखना है कार्बन कितने हैं, यहां पर कार्बन है दो, और दो कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है, और बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, साइड चेन वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या लगेगा यहां पर, मीथेन, ठीक। सिमिलरली अगर यहां पर कर दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर CH3, तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिमिलरली अगर यहां बात कर लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, तो यहां कितनी कार्बन है, कह रहे होगे मैंने नंबरिंग नहीं करी है, ठीक है, नंबरिंग करके भी दिखाऊंगा, अभी पूरे रूल सिखाऊंगा तब उसके बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, हेक्सीन। बट यहां पर मैंने कहीं पर आपको नंबरिंग करके नहीं दिखाई, क्यों, यहां पर आप नंबरिंग करते भी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप किधर साइड भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिंपल एल्केन की, बट सिंपल एल्केन में कुछ खास नहीं है भाई, आप कोई भी नॉमेनक्लेचर इसका कर लेगा। अब बात आती है क्या, ब्रांच्ड एल्केन, ठीक है, तो ब्रांच्ड एल्केन की बात करते तो हम इसे इरेज करते हैं, और अब नंबर 2 जो ब्रांच एल्केन होगा वही होगा
उसी में सीखेंगे सबसे ज्यादा रूल, ठीक है। तो नंबर टू, ब्रांच्ड एल्केन्स। ब्रांच्ड एल्केन में सबसे पहले आप ये बात करिए, ब्रांच की ही बात कर लेते हैं। क्या बच्चों? ब्रांच की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रांच किससे होती है बच्चों? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स। ब्रांच जो होती है जनरली, अब हम कार्बन की ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे। एल्काइल ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो एल्काइल ग्रुप होता क्या है? तो सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं किसी की, जैसे CH4 ये कोई मीथेन है, और वहां से हमने क्या काम किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, ये CH3, ठीक है, और यहां पर ये खाली बॉन्ड रह गया, ठीक है, एक बैलेंसी फ्री है। तो इसे क्या बोलते थे, इसका नाम क्या था? मीथेन। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल, ठीक है बच्चो। तो यहां पर एन हट के बाई एल लग जाएगा, समझ रहे हैं बच्चों? एन हट के बाई एल लग जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। यही अल्काइल ग्रुप होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। ये हो गया बच्चों प्रोपीन, ठीक है। अब ये प्रोपीन हो गया। अब यहां से मैंने क्या काम किया, ये कार्बन देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री, सॉरी ये भी 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन है। देखो बच्चों एक बात देखो, यहां पर इस कार्बन के पड़ोसी कितने, 1 और 2, यानी 2 डिग्री है। इसके पड़ोसी केवल है, केवल ये है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री, जिस कार्बन के जितने पड़ोसी हो, जिससे मतलब किसी कार्बन से डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं वो उसकी वही डिग्री होती है। तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर क्या काम करते हैं, यहां से रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कौन सा, ये कहीं से निकाल दो, तो यहां से निकाल दिया मैंने, तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ये बचेगा, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बच्चों प्रोपाइल। क्या बच्चों? प्रोपाइल। सिंपल है, तो यहां बोल सकते हैं एन प्रोपाइल, ठीक है, एन प्रोपाइल। अगर हमने यहां से 2 डिग्री से निकाला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री ये बीच वाला है, तो क्या होगा बच्चों, बीच वाले से निकाल दिया तो फिर ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां से CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बन गया बच्चों, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, अब ये हो गया बच्चों। तो होता क्या है, यहां पर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। क्या बच्चों? सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। दूसरा नाम इसका और होगा, क्या होता है बच्चों, अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहां से ही होगी, तो यहां से ये कार्बन पहला और ये लास्ट हो गया, तो वैसे देखा तो ये सेकंड लास्ट हो गया। जब सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल जुड़ा होता है, सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या होता है, एक मिथाइल जुड़ा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो बोलते हैं। तो इसे आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हैं। क्या बच्चों? और आइसो प्रोपाइल, ठीक है बच्चों। अब एक बात बता दूं मैं आपको, जब हम पढ़ेंगे आगे नॉमनक्लेचर करेंगे, तो वैसे तो जो नॉमनक्लेचर की जाते हैं उसमें आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल का जनरली यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी IUPAC क्या है, आइसोप्रोपाइल या न्यू, जो आइसो और न्यू होते हैं उसे वो क्या है, अथॉरिटी दे देती है, उसके लिए अलाउ कर देती है, बट सेकेंडरी वगैरह को अलाउ नहीं करती। खैर अभी ये देख लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा, इसके बाद एक अगला लेते हैं, ठीक है, यहां ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या काम किया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां से CH3,
और यहाँ पर मैं एच छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये वन डिग्री हो गया, ये वन डिग्री हो गया, ये वन डिग्री हो गया, ये थ्री डिग्री हो गया। अब यहाँ पर फिर वही काम, ठीक है। तो यहाँ से रिमूवल किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन डिग्री कार्बन, सही है, वन डिग्री कार्बन हो गया। तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पर आ गया सी एच थ्री, और ये हो जाएगा सी एच, ओके, और यहाँ हो जाएगा सी एच टू। नीचे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम थ्री डिग्री कार्बन, ठीक है। तो यहाँ थ्री डिग्री से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी और सी एच थ्री और सी एच थ्री, ठीक है। बच्चों ऊपर वाला जो है उसकी बात देखिए, उसे क्या है, इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि वन टू थ्री, ठीक है, सेकंड लास्ट पर मिथाइल है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि यहां पर क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल चेन है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आइसो ब्यूटाइल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर दो साइड चेन है सेकंड लास्ट पर, तो इसे नियो भी बोल सकते हैं, क्या बच्चों, नियो या टर्सरी, ठीक है, टर्सरी, टर्सरी, और इसे बोलेंगे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और नियो ब्यूटाइल, ठीक है, न्यू ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और नियो ब्यूटाइल, यू है, ये यू है, ठीक है, ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे क्या, नॉमनक्लेचर किसका, एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हम लगाएंगे, और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसके रूल्स, कौन कौन से रूल्स होंगे, अब उस पर हम बात करते हैं, ओके। ओके बच्चों, ये सारे के सारे रूल हमने यहाँ लिख रखे हैं, और रूल के बेसिस पर हम यहाँ पर हम समझाएंगे कि जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल है सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सी एच थ्री और सी एच टू, सी एच और सी एच टू, सी एच, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। बच्चों यहाँ पर सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, ये सबसे लंबी मेन चेन होगी, समझ में आ गई बच्चों। और इस तरीके से ये सबसे लंबी चेन होगी, बाकी ये जो चेन है वो क्या है, साइड चेन के रूप में कंसीडर की जाएगी। उसके बाद एक बात और देख लीजिए बच्चों, कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी इस तरीके से दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी आप ये समझें, ये हर कार्बन क्या होता है, हर कॉर्नर क्या होता है, एक कार्बन होता है। तो यहाँ पर भी आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये ही है, ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा, ये साइड चेन, ओके बच्चों। तो इस तरीके से सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी होगी सबसे। दूसरे नंबर पे बात ये आती है, ये नंबर वन हो गई। नंबर टू बात है ये कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर। अब ये नंबरिंग की बात आ गई, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन तो देखने की जरूरत नहीं है, सामने दिखाई दे रही सबसे लंबी चेन यही है, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि नंबरिंग किधर से करें, तो जिधर से साइड चेन, ये क्या बच्चों साइड चेन किधर से पास मार रही है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रही है, तो इधर से थर्ड पर आ रही है, तो इधर से जिधर से पास में आए उधर से नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। चलो नाम भी लेके देख, नाम भी ले देते हैं इसका। तो ये क्या है, मिथाइल है, सी एच थ्री है, तो कहां पर है, थर्ड कार्बन पर, तो इसे बोलेंगे थ्री, और इसका नाम क्या है, मैथ, ठीक है, और मिथाइल, ठीक है, क्योंकि एक एच निकल के मीथेन से बनी है, तो ये हो गया थ्री मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, सिक्स, तो हेक्स, और लिंकेज कौन सी है, एन,
ठीक है बच्चों, 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और हेक्स क्या हो गया बच्चों, वर्ड रूट हो गया, एन क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इससे ये बताएगा कि किधर से पास में साइड चेन आ रही है। अगला देख लेते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4 और ओके। तो इधर से मैंने ऐसे ही बना दिया, यहां हाइड्रोजन नहीं लगाए, ठीक है बच्चों, आप हाइड्रोजन लगा देना। तो यहां पर क्या है, नंबरिंग देखने, सबसे लंबी साइड चेन देखनी है तो यही होगी। ओके, अब नंबरिंग किधर से, जैसे पास में साइड चेन हो, नंबरिंग किधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो थर्ड पर आ रही है, इधर से, इधर से किधर आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 पर आ रही है, तो थर्ड पर आ रही है। क्या है, 2 कार्बन की चेन है, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है, और बाइल इथाइल, तो क्या बोलेंगे से, 3 इथाइल, पहला लेटर के 7 कैपिटल बनेगा, और जो नंबर जिस पोजीशन पर जो भी साइड चेन है उसे हम लिखेंगे, वैसे ही रूल में है, आगे मिल जाएगा, ठीक है, 3 इथाइल, ठीक है, और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 इथाइल हेप्टेन इसका नाम हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे हो गए 2 रूल की बात। रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम, हाँ बच्चों, अब रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सम ऑफ द लोकेंट इज लोएस्ट। अब बात ये करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, तो अब एक से ज्यादा हो गए, तो यहां पर हमने क्या लिया, एक साइड चेन ले ली, एक साइड चेन ले ली, ठीक है, और एक साइड चेन यहां ले ली, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इतनी साइड चेन हो गई, अब हमें क्या करना है कि भाई ये देखना है कि लोएस्ट सम रूल लगाना है हमें, ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब नंबरिंग किधर से करनी है, पहले देख लो, 1, 2, 3, ठीक है, 3 पर 2 चेन है, 3 पर एक ये मिथाइल है और एक ऊपर है, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 3 पर क्या हो गई, 2 और एक कहाँ है, 6 पर है, इधर से 1, 2, 3, एक 3 पर है, 4, 5, 6, यानी 6 पर 2 है, इसका टोटल कर लेते हैं, 6, 3, 3, 6 और 6, 12, और इधर 6, 12 और 3, 15, तो उधर से टोटल ज्यादा आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से की जाएगी, इधर साइड से नंबरिंग की जाएगी बच्चों, किधर से, इधर साइड से नंबरिंग की जाएगी, ओके बच्चों, तो नंबरिंग इधर से की जाएगी जैसे कि हमने कर रखी है। चलो नाम लेना चाहो तो नाम ले लो इसका, तो हम क्या काम करेंगे, 3 पर क्या है, मिथाइल है 3, और 3 पर दूसरा मिथाइल है, तो अब क्या है, जब एक से ज्यादा ग्रुप होंगे, नीचे दे रखा है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, डाई ट्राई का यूज हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 3 पर 2 हो गए और एक कहां हो गया, 6 पर हो गया, ठीक है, तो 3, 3, 6 ट्राई, क्या, ट्राई मिथाइल, और हो क्या जाएगा, ऑक्टेन, सही बच्चों, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। रूल क्या सीखा, क्या होगा बच्चा, लोएस्ट सम रूल, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3, 3, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ओके। इसके बाद और ले लेते हैं, तो ओके, 1 इस तरीके से बॉन्ड लाइन में ले लेते हैं, हमने क्या काम किया, ओके, ये हो गया, और इसके बाद एक यहाँ पर हमने लिया, और ठीक है, 1, 2, 3, और यहाँ पर हमने, ओके ओके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओके। अब क्या काम करते हैं इसका, देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगी, ओके, अब नंबरिंग किधर से करें ये देखते हैं, तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर एक साइड चेन है, ठीक है, एक 6 पर है,
और एक 7, 8, 9 एक 9 पर है, ठीक है। उधर से करते हैं 1, 2, 3, 4 एक 4 पर है, 5, 6, 7 एक 7 पर है और एक 8 पर है, ठीक है। इन्हें टोटल कर लो तो कितना हो गया 9 और 6, 15 और 5, 20 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 7, 2 जा 14 और एक 15, 15, 4, 19। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, उधर साइड से करेंगे, क्या उधर साइड से नंबरिंग करवट तो नहीं आ रहा है। ये हो गया 19 और ये 20, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, ओके नंबरिंग उधर से ही होगी। तो इधर क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये है कार्बन 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 कार्बन, ओके। और ये इस तरीके से नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 ठीक है। अब ये क्या है, ये तो हो गई नंबरिंग बेटा, और ये कार्बन है मिथाइल। अब बच्चों आपको मालूम होगा, ये समझ लो बेटा कि इथाइल को ईटी भी लिख देते हैं हम शॉर्ट में, और मिथाइल को एम, ठीक है ठीक है मिथाइल। अब बात ये है बच्चों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अब ये सबसे पहले हमारी बात ये थी कि भाई हमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करना उधर से, कि वहाँ पर कम आ रहा है। अब भाई बात करनी है तो ले लो, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर देंगे। 8 पर ये 4 पर है, 4 है कॉमा 8 है, तो सबसे पहले इथाइल का नाम हम लिखेंगे, इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट टाइम पहले आती है, ठीक है। तो ठीक है 4, 8 डाई इथाइल, ठीक है डाई इथाइल, डाई इथाइल, और ये हो गया फिर ये हाइफन लगाया, और यहाँ पर क्या है 7 है 7 मिथाइल, और 7 मिथाइल ये हो गया अनडेक, ठीक है सॉरी डोडेक, डो डेकेन सही हो चु, तो ये हो गया डोडेकेन 4, 8 डाई इथाइल 7 मिथाइल डोडेकेन, ये इसका नेम हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें सारे के सारे रूल है, ठीक है। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है इससे नीचे, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन आर मोर देन वन देन डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। तो डाई ट्राई, और दूसरी बात यहां पर सुन देखो, व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दीज आर नॉट कंसीडर्ड, आप ये मत समझिए कि डी पहले आएगा, नहीं ये ई से मतलब है, ठीक है। यहां पर हमें केवल डाई और ट्राई से अल्फाबेटिकल नहीं देखना, हमें देखना है यहां पर इथाइल से, ई पहले आता है एम बाद में आता है, ठीक है। तो ये हो गया अगला रूल, ठीक है ओके इसे रेस करते हैं। उसके बाद हाँ, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन इक्विवेलेंट पोजीशन देन द नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमने क्या काम किया, CH3, 1, 2, 3, 4 ठीक है बच्चों, और 4 ठीक है, और 5, 6 तो यहां पर CH2 और CH3 1, 2, 3 ओके। अब बात आ जाती है कि अब यह नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 CH2 है, ये भी CH2 है, 1, 2 थर्ड पर साइड चेन इधर से, 1, 2, 3 थर्ड पर साइड चेन यहां से है, ठीक है। अब बाकी रूल लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल बराबर आएगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या काम करते हैं, ये क्या है मिथाइल, ठीक है, और ये क्या है बच्चों इथाइल, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लेंगे, इथाइल पहले आता है तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी बच्चों, समझ गए। तो क्या क्या करेंगे, 3 इथाइल क्या बच्चों, 3 इथाइल और फिर कहां है ये 5 पर क्या हो गया मिथाइल, और ये पूरा का पूरा हैप्टेन, ठीक है बच्चों ये हो गया हैप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हैप्टेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, हेक्स हैप्ट हो गया, ठीक है। 3 पर क्या हो गया इथाइल हो गया,
और 5 पर हो गया मिथाइल और ये हो गया हेप्टेन। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे आ जाएं कि वहां पर क्या है सेम पोजीशन पर हैं, उधर से भी, तो फिर क्या है उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लो, जो पहले आता है उसे नंबरिंग फर्स्ट दे दो। ओके बच्चों, इसके बाद आगे बात करते हैं। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन आर मोर देन वन देन डाई ट्राई टेट्रा, ये वाली बात हमने अभी समझा दी। उसके बाद क्या है, इफ टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर एप्रोप्रिएट पोजिशंस। ठीक है, ये वाला भी रूल अब ये द्वारा फिर समझ लो। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 और यहाँ पर आ गया CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 और यहाँ आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बात यहाँ पर देखो कि भाई पहली बात तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 पर है ये, 1 2 3 सही है, और 4 पर ये, ठीक है, तो वही इधर से स्टार्ट हो जाएगा। चलो एक काम करो अभी सिंपल करने के लिए ऐसा कर लो CH2 CH3। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर ली। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली हो गई। ठीक है, और नंबरिंग मैंने यहाँ से दी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके जो नंबर हैं, तो ये क्या है बेटा, प्रोपाइल है, प्रोपाइल। ये क्या है बच्चों, इथाइल। ठीक है, और ये क्या है, मिथाइल। ओके, नंबरिंग मैंने इधर से दे दी, साइड चेन है थर्ड पर है, उधर से 1 2 3 4th पर है, और लो ये लोएस्ट सम रूल लगाओगे तो वो भी इधर से ही बैठेगा। ठीक है, तो अब इसकी नंबरिंग मैं सिखा रहा हूँ, वो बाकी सारी बातें मैंने बता दी। तो सबसे पहले किसका नाम आए, ई पहले आता है, फिर क्या आता है, जो आएगा उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। तो 8 है, ओके, तो 5 पर हो गया 5 इथाइल, 5 इथाइल, और फिर आएगा ये हो गया 3 पर 3 मिथाइल, मिथाइल, और ये हो गया 4 पर क्या हो गया, प्रोपाइल, और ऊपर क्या हो गया, ऑक्टेन। ठीक है, यहाँ कोई गैप नहीं छोड़ना है, केवल जो पोजीशन है उसे बताने के लिए हाइफन लगाना है, पहला कैपिटल में, फिर बाकी स्मॉल में लिखते हुए चले जाना है पूरा का पूरा नेम। तो ये बच्चों क्या हो गए, सारे के सारे कंपाउंड के हमने नाम देखे, सारे के सारे रूल देखे सिंपल वाले। ठीक है, जिनमें साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन की हम बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स चेन की 2-4 रूल अलग से और हैं, उनकी हम अभी बात करेंगे, पहले 2-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, यहां पर मैं एक दो और लिखता हूं, अजीब गरीब जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, तो ओके, ओके, नंबरिंग ओबियसली इधर से होगी, साइड चेन ये कार्बन 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 इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या हो गया, इथाइल, ये मिथाइल, 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 ओके, तो क्या होगा बच्चों, ये हो गया इथाइल पहले आएगा, तो क्या करें, 5 इथाइल, ठीक है, इथाइल हो गया, हाइफन क्या हो गया, 2 3 4,
टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, पता है कॉमा से अलग करते हैं, और फिर हाइफन लगाया कितने हो गए, तीन हो गए, तो ट्राई, सोचो ट्राई, और क्या बोलेंगे, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल लगा देना, ठीक है, ट्राई मिथाइल और क्या हो गया, ऑक्टेन। तो बच्चों ये हो गए कुछ नेम्स जिनकी हमने बात करी, और अब रह गए हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स जिनकी बात हम करते हैं, तो इनसे नोट कर लीजिए पहले।